हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की वीडियो हम करेंगे इंटीग्रेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है आपका 1/(1+x²) का होल स्क्वायर और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसको समझो तो बहुत ही आसान भी है। सबसे हम पहले लेट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू 1/(1+x²) और इसका भी होल स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक की जो फॉर्म होती है, अगर आपका कोई इस फॉर्म में दिया हुआ है a²+x² की फॉर्म में, तब यहाँ पे हम हमेशा ये जो एक्स स्क्वायर होता है इसको x इज इक्वल टू a tan थीटा लेट करते हैं, x इज इक्वल टू a tan थीटा लेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1+x² है, a के प्लेस पर हमारा कितना है 1 है। तो अगर a के प्लेस पर हमारा 1 है तब इसके लिए हम यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू tan के प्लेस पर हम यहाँ पे tan थीटा लेट करेंगे। अब हमारा x इज इक्वल टू अगर tan थीटा है तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, dx इज इक्वल टू sec² θ dθ। ओके, ये दोनों वैल्यू हम उठा के यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ये हमारा i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/(1+tan²θ) और इसका होल स्क्वायर, और dx जो है dx के प्लेस पर अपना रहेगा sec² θ dθ। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1+tan²θ इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आपका sec² θ होता है। सो i इज इक्वल टू मैं यहाँ पे पुट करूंगा 1/sec² θ और इसका होल स्क्वायर थीटा, क्योंकि अपना ये जो 1+tan²θ है इसके प्लेस पर हमारा हो जाएगा sec²θ। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, तो इसके प्लेस पर मैंने sec²θ रख दिया और बाकी मेरा क्वेश्चन सेम एटीट्यूड ऐसा ही रहेगा sec²θ dθ। ओके बच्चों, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो i इज इक्वल टू 1/sec² का स्क्वायर है, तो ये आपका sec²θ dθ हो जाएगा। यहाँ से हमारा sec²θ से इसकी पावर कैंसिल होके 2 पावर बचेगी और ये अपना हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/sec²θ dθ। ठीक है बच्चों, अब i इज इक्वल टू ये जो हमारा sec² है, आपको पता है बच्चों कि 1/sec² इज इक्वल टू होता है हमारा cos θ। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग ये हमारा हो जाएगा cos²θ dθ। ठीक है बच्चों, आपको पता है फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला होता है cos²θ इज इक्वल टू 2cos²θ-1। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको लगाएं फॉर्मूले को, cos²θ की वैल्यू यहां से निकालें तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा cos²θ इज इक्वल टू 1/2cos²θ-cos²θ+1। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो cos²θ का फॉर्मूला है, इससे हमने cos²θ की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा क्वेश्चन में, i इक्वल टू अपना हो जाएगा 1/2cos²θ dθ। ठीक है, 1/2 तो अपना कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1+cos²θ। अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा और ये cos²θ है, cos²θ का इंटीग्रेशन होता है अपना sin²θ। और यहाँ पे देखिए 2θ है अंदर में ये, तो 2θ का डिफरेंशिएशन इसके नीचे रखेंगे तो थीटा का 1 ये अपना 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ पे लेट किया था, क्या लेट किया था याद हो आप लोगों को, x बराबर हमने लेट किया था tan थीटा। तो x बराबर अगर हमारा tan थीटा होगा
थीटा बराबर कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ये जो हमारी थीटा की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स प्लस ये जो साइन टू थीटा है, साइन टू थीटा के प्लेस पर हम रिप्लेस कर लेंगे साइन टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन में टू। भाई वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स प्लस, और बच्चों आपको पता है ना कि साइन टू थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा इन टू कॉस थीटा, तो इसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला यहाँ पे खोल देंगे, तो साइन टू साइन टेन इनवर्स एक्स इन टू में कॉस टेन इनवर्स एक्स अपॉन में टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली बचेगा वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स प्लस। अब देखो साइन टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स को अगर मैं साइन में चेंज करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा साइन साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कोस में टेन को कोस में चेंज करूंगा तो हमारा कोस और कोस इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ये हो जाएगा वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स साइन है तो साइन से साइन चला जाएगा एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और इन टू कोस से कोस चला जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करेंगे वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स की वन से करेंगे एक्स, और यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा सेम है वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा आई इजकल टू वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।